हम सब तीन तरह से कर्म करते हैं, शरीर से, वाणी से तथा मन से। आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ प्रिय दोस्तों, कि शरीर और वाणी के कर्म मन के कर्मों की संतान होते हैं। भौतिक जगत की विषय वस्तुएं जब हमारी ज्ञान इंद्रियों के साथ स्पर्श करती हैं, तो प्रिय दोस्तों दुखद व सुखद संवेदनाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। विषय वस्तुओं का हमारी ज्ञान इंद्रियों से टकराना तथा फिर संवेदनाओं का पैदा होना प्रिय दोस्तों हमारे वश में नहीं होता। फिर हमारा मन उन संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन देता है, जिसके कारणवश हमारी वाणी और हमारे शरीर से सत्कर्म व दुष्कर्म उत्पन्न होते हैं। हम जीवन में बार बार राग, द्वेष और मोह के चक्कर में फंस जाते हैं प्रिय दोस्तों। लेकिन मैं आज आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मन की यह प्रतिक्रिया हमारे वश में हो सकती है। हमारा इस प्रतिक्रिया या रिएक्शन पर पूरा पूरा कंट्रोल हो सकता है प्रिय दोस्तों। इसी श्रृंखला को तोड़ने हेतु हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है और श्रुत ज्ञान सुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। श्रद्धा जागती है और फिर पराक्रम व मेहनत व पुरुषार्थ करने का मौका मिलता है। हमें जीने की कला आ जाती है, और जिसको जीने की कला आ जाती है प्रिय दोस्तों, उसको मरने की कला भी आ ही जाती है। भव चक्र से छुटकारा मिलता है तथा मुक्ति मिलती है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो।